हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय की। हाँ दोस्तों, DU के थर्ड ईयर के छात्रों के लिए या फिर जो ओपन बुक के माध्यम से एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए एक बड़ी न्यूज़ है। और न्यूज़ ये है कि आपको जो है बिना एग्ज़ाम दिए ही जो है प्रमोट किया जा सकता है। ये हमारे जो है शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल का कहना है। तो दोस्तों आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा ताकि DU से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे इस चैनल पे आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो हाँ दोस्तों, ये थर्ड ईयर के छात्रों के लिए या जो फिर ये एक स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम देने वाले थे, ये उनके लिए खुशखबरी है कह सकते हैं। ये जो है MHRD की तरफ से जो है, यानी कि हमारे जो शिक्षा मंत्रालय है रमेश पोखरियाल उनके तरफ से कहा गया है UGC को कि वो जो है जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी करे छात्रों को, और जिसमें बताया जाए कि जो थर्ड ईयर के एग्ज़ाम होने वाला है उनको लेके जो है क्या किया जाएगा। उनका कहना है कि जो है छात्रों को जो है प्रमोट भी जो है किया जा सकता है या फिर सिचुएशन के हिसाब से जो है उन्हें कुछ नया ऑप्शन दिया जाए। हालांकि इसको लेकर छात्र जो है पहले विरोध भी कर चुके थे। तो सबसे पहले वो हम न्यूज़ पढ़ लेते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला है। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं UGC रद्द कर सकता है फाइनल ईयर के एग्ज़ाम। HRD मंत्री ने गाइडलाइंस पर दिए आदेश। तो ये क्या आदेश दिया है ये हम एक बार जो है पढ़ लेते हैं। नई दिल्ली, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 24 जून को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC से अप्रैल में जारी की गई यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम और एकेडमिक कैलेंडर पर अपने दिशा निर्देशों को संशोधित करने के लिए कहा है। मंत्री ने कहा है कि संशोधित दिशा निर्देश की नींव छात्रों की और शिक्षकों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर संशोधित होनी चाहिए। पहले जारी हो चुके संशोधित एकेडमिक कैलेंडर में COVID-19 की महामारी के दौरान टीचिंग और लर्निंग को जारी रखने और परीक्षा को कराने का सुझाव भी दिया था। HRD मंत्री ने आज अपने ट्विटर हैंडल के जरिए बताया कि उन्होंने UGC को इंटरमीडिएट और टर्मिनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए पहले जारी की गई गाइडलाइंस में बदलाव करने का सूत्री ने अपने ट्विटर में लिखा है कि मैंने UGC को इंटरमीडिएट और टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षाओं और शैक्षणिक कैलेंडर के लिए पहले जारी हो चुके गाइडलाइंस को फिर से जारी करने की सलाह दी है। संशोधित गाइडलाइंस की नींव छात्रों को, शिक्षकों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। तो ये देख सकते हैं उनका ट्वीट भी है जो कि कल किया गया था, और इसमें जो है आगे बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस महामारी के चलते बोर्ड समेत यूनिवर्सिटी और एंट्रेंस एग्जाम की स्थगित कर दिए गए थे। बोर्ड परीक्षा आयोजित कराई जाएगी या नहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है, जिसमें जो है अब ये कहा गया है कि ये जो है छात्रों पर डिपेंड करना चाहता है कि वो एग्ज़ाम देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन अभी ये जो है एग्ज़ाम होगा भी तो अक्टूबर में हो सकता है। वहीं NDTV की सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जुलाई में होने वाली बचे कुछ एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम टल सकते हैं। परीक्षा के अलावा जुलाई में होने वाली सबसे अहम एंट्रेंस एग्ज़ाम GEE 2020 एग्ज़ाम और नीट को भी टाला जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय ने सूत्रों को कहा, छात्रों को सुरक्षा में सबसे अहम और इन परीक्षाओं को आयोजित कराने के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है। सूत्रों ने यह भी बताया कि कुछ परीक्षाओं को रद्द करने किया जा सकता है और JEE Main में और नीट में जैसे एंट्रेंस एग्जाम को स्थगित भी किया जा सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारा मामला पता चल गया है। इसको लेकर आपको क्या कहना है या क्या सोचते हैं तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। बाकी यही था आज का अपडेट। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।